तो गाइस आज हम लोग बात करने वाला है इंडिया के बेस्ट बैटल रॉयल गेम इंडस बैटल रॉयल, जो कि इंडिया में रिलीज होने वाला है, जो कि आप लोग का ट्रेलर अभी सामने है। आप लोग देख लीजिए कैसा लगता है, आप लोग कमेंट में प्लीज़ डाउन कीजिए कैसा लगा आप लोग को। तो ये आप लोग का खुद का गेम है, आपका खुद का गेम बोल सकते हो, क्योंकि ये इंडिया का बना हुआ है, इंडिया का मॉडरेटर का बनाया हुआ है। तो बहुत बढ़िया गेम है, बहुत शानदार है, एक फ्यूचरिस्टिक का गेम है जो इंडिया में आने वाला है 15 अगस्त, जो मैं सुन रहा हूँ गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया गेम है और ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है, हाई लेवल का, जो टेक्नो गेमर्स ने बता रखा है उज्ज्वल गेमर्स वाला चैनल में, जो कि मेरा वीडियो में भी बोलेगा। तो आगे जाते देखते रहिए, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर और कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ये हम लोग का इंडिया का बेस्ट बैटल रॉयल गेम होने वाला है। ये गेम हर एक कंट्री में अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि इस वाला गेम अगर वायरल हो गया बहुत हम लोग का तबाही मचाएगा, इंडिया में बहुत नाम होगा, क्योंकि हम लोग का ये देश का मतलब हमारा कंट्री का गेम है, खुद का बनाया हुआ। तो आप लोग सोच समझ के ये लोग गेम खेलिए, बहुत बढ़िया गेम है, और ये तो आप लोग को बीटा वर्जन बोलेगा टेक्नो गेमर्स ने, जो कि अभी बता रहा है। तो ये सब सुनते जाइए, और मेरे को लास्ट में मैं आ रहा हूँ उसमें बातचीत करने के लिए, ठीक है, बाय बाय। तो वो लोग भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं गेमिंग को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स ऐसे पढ़ाई वगैरह छुड़वा के बोलेंगे भाई बैठ के पूरा दिन गेम ही खेल, लाइक वो जो क्राइम की नजरों से देखते हैं ना गेम्स को, कि ऐसे ऐसे रखते वरना रैप टाइम आएगा, वो वाली चीज एटलीस्ट खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि फॉरेन कंट्रीज में गेम्स के टूर्नामेंट बहुत पहले से ही चलते आ रहे हैं, और आज भी मतलब बहुत सारी गेम्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और ई स्पोर्ट्स को यानी गेम्स वगैरह को भी एक एक्चुअल स्पोर्ट की तरह देखा जाता है, जो कि इंडिया में पहले नहीं था। फिर उसके बाद 2017, 2018, 2019 बहुत नई नई गेम्स आई, उनके टूर्नामेंट्स होने लगे, बूम हो गया। लाइक पेंडेमिक में तो फिर एक अलग ही नेक्स्ट लेवल बूम पे चला गया था, 2021 भी सब कुछ मस्त चला, लेकिन लास्ट ईयर 2022 में आप लोग ने नोटिस करा होगा गेमिंग थोड़ा सा गेमिंग में डाउनफॉल आया, मतलब इंडियन गेमिंग सीन में। अब उसके पीछे का रीज़न आप लोग कह सकते हो कि हाँ, जो अपने कुछ गेम्स थे वो बैन हो गए, कुछ प्ले स्टोर से हट गए। अब उसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा चाइनीज डेटा कुछ तो रीज़न था। खैर, जो गेम हटनी थी वो हट गई, अब आगे क्या क्या अभी इंडिया में गेमिंग सीन का डाउनफॉल और आने वाला है, या फिर बस गेमर्स को बैठ के वेट करना है इन गेम्स के अनबैन होने का, उसके बाद कुछ होगा? तो इसका आंसर है मेरी तरफ से नहीं, क्योंकि मेरे पास जो एक्साइटिंग न्यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले ना एक बार आप लोग ये क्लिप देखो। भारत के समाज को आज दुनिया ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत उत्सुक है, लोग समझना चाहते हैं, इसमें हमारी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। गेमिंग से जुड़े सभी इनोवेटर्स और क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हमारा फोकस ऐसे टॉयज, ऐसे गेम्स का निर्माण करने पर भी हो जो हमारी युवा पीढ़ी को भारतीयता के हर पहलू को इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीके से बताएं, एंटरटेन भी करें और एजुकेट भी करें, ये हमें सुनिश्चित करना है। आप जैसे युवा इनोवेटर्स और क्रिएटर्स से देश को बहुत उम्मीद है। तो इतना तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट कर रही है अपने इंडियन गेमिंग सीन को। अब मैं इतनी देर से क्यों फैल रहा हूँ कि इंडिया में गेमिंग वापस बूम होने वाला है, सभी इंडियन गेमर्स के मजे दोबारा आने वाले हैं, उसके पीछे था पुणे एक बहुत बड़ी इंडियन गेमिंग कंपनी से मिलने के लिए। बता रहा हूँ भाई, यहाँ जाके ऐसा फील हो रहा था कि मैं जैसे कोई फ्यूचर में आ गया हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बताता हूँ कि गेम में क्या अच्छी चीजें थी, क्या बुरी चीजें थी, और ओवरऑल गेम प्ले एक्सपीरियंस कैसा था। तो सबसे पहली चीज, गेम प्ले बहुत स्मूथ था, मतलब मेरे को वैसा चाहिए होता ना कि एकदम बढ़िया मक्खन चले गेम, तो वो चीज इस गेम में थी। अब थोड़ी बहुत जो कमियां थी वो मेरे को ये लगी कि थोड़े जो घर होते हैं ना, घर थोड़े खाली खाली से थे, मेरे को चाहिए कि ऐसे एकदम सामान रखा हो ये सब। मुझे लग रहा था कि मैंने इनकी गेम में बहुत बड़ी कमी ढूंढ दी है, लेकिन अब डेवलपर्स ने बोला है बीटा वर्जन है मेरे भाई, असली वर्जन और खतरनाक होने वाला है। वैसे सबसे बेस्ट चीज ये है कि इस गेम में जितनी भी गन्स है, गन्स के जो मैकेनिक्स है वो एकदम रियल गन जैसे है, जब हम उसे फायर करते हैं बिल्कुल रिकॉइल वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोगों ने देख ली है, मूवमेंट स्टाइल सब कुछ एकदम मस्त होने वाला है। और सेकंड चीज जो मेरे को चाहिए थी, मेरे को नहीं, आई थिंक वो हर एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर को चाहिए होती है, जो कि है जायरोस्कोप। भाई वो इनको सब पता है भाई, सब कुछ इस गेम में भरा हुआ है। वैसे इस गेम की एक बहुत क्रेजी चीज, इसकी हर एक चीज इंडिया में ही बनी है, लाइक जो इमोट्स होता है मोकैप करना पड़ता है जिसके लिए, वो भी इंडिया में हुआ है।
और उसमें जो स्टेप्स यूज करे वो काली पाई थुके हैं। अब सोचो कि ये गेम अगर वर्ल्ड वाइड वायरल हो जाता है तो क्या मस्त होगा यार, कि मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैटल रॉयल गेम इंडिया से। तो जब मैंने गेम को ट्राई करा था उस टाइम पर एक टीडीएम टाइप चाहिए, एक मिनी बैटल रॉयल चाहिए, लेकिन फिर डेवलपर ने बोल दिया कि भाई सब आना है, अभी आधा गेम खिला रहे हैं, यानी जो प्रॉपर फुल गेम आने वाला है वो अब आएगा जिसमें हमें ये सब कुछ मिलने वाला है। तो फिर मैंने कमियां बताने ही बंद कर दिया। बाकी हाँ, जल्दी ये गेम मोबाइल के लिए आने वाला है, फिर उसके बाद पीसी, एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन, हर एक प्लेटफॉर्म पे ये गेम आ जाएगा। और अब सोचो कि जब इसके टूर्नामेंट्स होंगे अपनी, अब अपने को टेंशन ही नहीं रहेगा गेम के बैन होने का, कुछ होने का। तो रेडी हो जाओ, जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर लो अभी से। ये वाला इंडस बैटल रॉयल गेम प्ले स्टोर में अवेलेबल है, प्री रजिस्टर के लिए रखिए, जो 15 अगस्त में आएगा। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और लाइक कमेंट करके जाइए।